हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन मेरी कॉल पर सीनियर सेकेंडरी ऑनलाइन क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमारे सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फ्रेज, क्लॉज काफी कुछ हमने पढ़ा है, काफी कुछ हमने सीखा है, बट आज जो आपके लिए मैं लेके आई हूँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, किस हमने पहले पढ़े थे वो पर्पस के अकॉर्डिंग थे, अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। तो देखिए, इसमें थ्री टाइप्स होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे यूज में आते हैं, एंड लास्ट जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो बहुत रेयरली यूज में होता है। जैसे देखिए, फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है सिंपल सेंटेंस। क्लियर। सेकंड जो हमारा है वो क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड जो फोर्थ है हमारा वो क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसी का मिक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है, सिंपल सेंटेंस है। देखिए बच्चों, ये सिंपल होता है, ठीक है, जिसमें ओनली इनडिपेंड सेंटेंस वन होता है। ठीक है, इनडिपेंड का मतलब कि जो इनडिपेंड होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, जो सेंटेंस कंप्लीट होता है, उस सेंटेंस को पढ़ के हमें ऐसा नहीं लगता कि वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, कि आगे वो बंदा कुछ और हमें कहने वाला है, तो वो इनडिपेंड सेंटेंस होता है। ठीक है, सेकेंड है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में भी दो इनडिपेंड सेंटेंस होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, इसमें तो ओनली सिंगल होगा, बट कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस ज्वाइंट होते हैं, तो दोनों इनडिपेंड होते हैं, डिपेंड नहीं होते हैं, दोनों कंप्लीट होते हैं, दोनों को कंजक्शन वर्ब से ज्वाइंट किया जाता है, जैसे एंड, बट। ठीक है, इस तरह से। थर्ड जो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, इसमें एक इनडिपेंड होता है और एक डिपेंड सेंटेंस होता है। ठीक है, जिसमें हमें जैसे पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये एक सेंटेंस को हम रीड करते हैं, तो उस सेंटेंस को पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि इस सेंटेंस के आगे हमें ये कुछ कहने वाला है, मतलब ऐसा कुछ हो गया तो, है ना। तो जब तो का आंसर हमें मिलता है, इनकम्प्लीट आंसर हमें मिलता है कि हाँ आगे ये बात अभी इनकम्प्लीट है, ये आगे करेगा पूरी, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ठीक है, फोर्थ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें सेंटेंस ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, और दो इसमें क्या होते हैं, इनडिपेंड सेंटेंस होते हैं और ओनली वन डिपेंड सेंटेंस होता है। ठीक है, दो तो तीन मतलब सेंटेंसेस ज्वाइंट होते हैं तीन इसके अंदर, जिसमें दो तो इनडिपेंड होती हैं और वन सेंटेंस डिपेंड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं ताकि हम अच्छे से बेटर तरीके से इनको समझ सकें। तो पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल, कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अब देखिए, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, सिंपल सेंटेंस में एक इनडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। क्या होता है, इनडिपेंडेंट। इनडिपेंडेंट सेंटेंस। ठीक है, ये क्या है, एक इनडिपेंडेंट सेंटेंस इसके अंदर होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही वर्क्स hard for, he works hard for get good marks। ठीक है, अब देखिए ये एक सेंटेंस है, ही वर्क्स हार्ड फॉर गेट गुड मार्क्स। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, अब इसके अंदर सेंटेंस को रीड करने पे हमें ऐसा नहीं लग रहा कि इनकम्प्लीट नहीं लग रहा ना, तो ये हमारा इनडिपेंडेंट सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाता है। क्लियर। ऐसे ही जब हम दो सेंटेंस ज्वाइंट होते हैं तो वो क्या होते हैं, इनडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे सेकंड कंपाउंड सेंटेंस ये क्या होता है, कैसे उसके अंदर दो इनडिपेंडेंट सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमारा कौन सा है, कंपाउंड। देखिए,
अभी क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है ना। अब इस कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ठीक है, जो आत्मनिर्भर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं, ज्वाइन होते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल, पहले तो हम लिखेंगे टू इंडिपेंडेंट इसके अंदर टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ वन सेंटेंस होता है, इसमें टू जॉइंट होते हैं, वो भी कंजक्शन वर्ब से। एग्जांपल देखिए, जैसे मोहित मोहित इज फैट, कि जो मोहित होता है वो क्या होता है, मोटा। बट अब हमने इसको बट से जॉइंट कर दिया ना, बट रोहित इज थिन। अब देखिए इधर, ये दो सेंटेंस है। अब देखिए मोहित इज फैट, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, क्लियर। बट यहाँ पे हमने कंजक्शन बट लगा के कंजक्शन वर्ब से दूसरा सेंटेंस हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये एक हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया और एक ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस, सेकंड वाला ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहलाते हैं। अब जब इंडिपेंडेंट सेंटेंस जिसमें दो होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस होता है, जिसको कंजक्शन वर्ब से ज्वाइन किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से हम कंटिन्यू करते हैं हमारा थर्ड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप नेक्स्ट वीडियो हमारा देखिए, ठीक है। और इसी तरह से जैसे टाइप ऑफ सेंटेंस मैंने आपको करवाए हैं, इसी तरह से सेंटेंस के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ सेंटेंस है। हमने आज सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ा और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस जो होता है वो हमारा, उसके अंदर वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, और जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट द इंडिपेंडेंट सेंटेंस एंड व्हाट द इंडिपेंडेंट सेंटेंस, व्हाट इज द सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज द कंपाउंड सेंटेंस। स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे, विल बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। And thank you for watching my video. Have a nice day.